بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب تمام خیریت سے ہوں گے. لیٹس اسٹارٹ دا ٹوڈیز کلاس وتھ اے کوئک ریفریشر اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر عبد المعیز ٹو پلیز ان میوٹ یور مائک. Yes, sir. How are you, Abdul Muiz? I'm fine. Okay. Abdul Muiz, do you remember what we studied yesterday? Yes. What was the first point we studied yesterday? Yes, Abdul Muiz, are you there? Yes, sir. What was the first point? Accounting cycle. Yesterday we studied accounting cycle? No. Okay. Okay, no problem, Abdul Muiz. Take your time. I will ask you again. Please unmute. Please mute your mic. Ali Muhammad. Ali Muhammad, please unmute your mic. Ji Ali Muhammad, kaise hain aap? Theek hain? Yes. Okay. अली मोहम्मद, मुझे ये बताइए कि हमने कल सबसे पहली टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आपके क्लासमेट्स ने मैसेज पे बता दिया चैट में कि वी स्टडीड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, तो वुड यू लाइक टू प्लीज टेल मी द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी विच वी स्टडीड यस्टरडे. परचेजेस. कंफर्म? आर यू श्योर? The first terminology was purchases. इसका मतलब है अली मोहम्मद, आप लोग नोट्स नहीं मेंटेन कर रहे है ना? ट्रांजैक्शंस. बेटा तो मेरा बच्चा, ये तो आप लोग देख के इस तरह से बता रहे हैं ना. देखें, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज टेक नोट्स, प्लीज प्रिपेयर अ प्रॉपर जर्नल जिसमें आप तमाम चीजें लिख रहे हो, ठीक है? और अगर आप लिखते नहीं हैं राइट नाउ, जैसे अभी अब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपका सारा फोकस मेरी बात सुनने पर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा बेटा, जब खत्म हो जाती है क्लास आफ्टर 12:30, आप लेक्चर की वीडियो जब अपलोड होती है उस वीडियो को एक बार रिव्यू करके उस वक्त नोट्स लिख लिया करें. इंशाल्लाह ऐसा करेंगे आप? यस सर. चलें. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज म्यूट योर माइक. ओके, अक्सा ख्वाजा, प्लीज अनम्यूट योर माइक. यस सर. आफ्टर ट्रांजैक्शन व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे? आफ्टर, यस सर, आफ्टर ट्रांजैक्शंस. यस, व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे? Merchandise and goods. Okay, what is merchandise and goods? Sir, all the things that we buy to that we purchase for reselling it again. Okay, very good, well done. Khush rahiye. And the next terminology was Arifa. Please unmute your mic, Arifa. Arifa, are you there? Yes.
Arifa, please, would you explain the next terminology? प्यारे बच्चों, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आप लोगों से. आप इतना मे आई ना लिखें. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस. बट देखें, मैं कुछ लोगों को खुद से भी चाहता हूँ कि वो बोलें. आप सब तो बोल ही रहे हैं कि मे आई, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए प्लीज़. आरिफा, आई एम अनेबल टू लिसन. आई थिंक योर माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, प्लीज म्यूट योर माइक. सो माई डियर स्टूडेंट्स, टाइम टू मूव अहेड. आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी. इतनी देर हम कहते हैं जनाब करीम शेराज साहब से. करीम शेराज, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट. हाँ, कैसे हैं करीम? ठीक हैं आप? जी सर. ओके मेरा बेटा, प्लीज मुझे ये बताइए कि ट्रेड पेबल क्या होता है ये ट्रेड पेबल? सर ट्रेड पेबल जो हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं ना, जो अमाउंट हमें पेबल करनी होती है सप्लायर को, उस अमाउंट को ट्रेड पेबल बोले. सप्लायर कौन होता है करीम साहब? सर सप्लायर वो होता है जिससे हम मर्चेंडाइज लेते हैं. एक्सीलेंट, खुश रहिए. यू हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड? यस सर, आई हैव कॉमर्स बैकग्राउंड. ओके ओके, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू माय डियर. थैंक यू सर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इज माय स्क्रीन विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, थैंक यू. सो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ purchase, return and allowances. When we use this word purchase, return and allowances, when we return the merchandise to the supplier from whom we purchase it earlier, we use the word purchase, return and allowances. दोबारा कहता हूं इस बात को. आपको याद है आपने परचेजेस का वर्ड कब यूज किया था? यू यूज वर्ड परचेजेस व्हेन यू बाय मर्चेंडाइज. एक्सीलेंट. व्हेन यू बाय मर्चेंडाइज और जब वही मर्चेंडाइज जो आप परचेज करके लाए हैं, व्हेन यू return those merchandise to the supplier. So there is a question arises in your mind, sir, why we are returning the merchandise? Maham, resale nahi mera beta. We are going to return those merchandise to the person from whom we purchase. Hum usi shakhs ko wapis kar rahe hain mera beta. Ji Mashood sahab, excellent. Bas thoda sa hausla rakhna hai, theek hai, घबराना नहीं है. अभी बहुत आगे आप जा रहे हैं फास्ट ट्रैक पे, इंशाल्लाह लेके जाएंगे आपको इस पे, ठीक है जी. अबीर ने कहा बिकॉज द गुड्स आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड गुड्स हैं, उसमें डिफेक्ट है. तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी गुड्स जिसमें डिफेक्ट हो, जिसमें कोई सब स्टैंडर्ड हो, तो हम उन गुड्स को सप्लायर को क्या कर देंगे? वापस. तो मेरा ख्याल है माहम क्लियर हो गई. यस एग्जैक्टली, नॉट फुलफिलिंग अवर डिजायर, हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, ठीक है मेरा बच्चा. तो व्हेन वी रिटर्न द मर्चेंडाइज टू सप्लायर, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, व्हेन वी रिटर्न मर्चेंडाइज टू द सप्लायर, उसको अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से? प-
परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस. ओके अभी सेट विच इज क्रेडिटेड. अभी ऐसी कोई बातें नहीं हो रही, हमारे बच्चों को क्रेडिट नहीं पता. मुझे पता है आप बहुत चैंपियन हैं. ओके द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सेल्स. फातिमा आर यू देयर? ओके फातिमा प्लीज अनम्यूट योर माइक. फातिमा प्लीज. हाँ फातिमा, सेल्स का मतलब क्या समझती हैं आप? जी सर. What do you understand by the word sales? सर बेचने को ही कहते हैं. अच्छा क्या बेचने को कहते हैं मेरा बच्चा? Merchandise goods. अच्छा तो अब आप अकाउंटिंग, अब आप कॉमर्स हो गई हैं मुझे लग रहा है ना. अब आपको थोड़ा सा चीजें पता चल गई हैं, तो आपने कहा मर्चेंडाइज ही होगी. क्या आप अपनी जो कॉमन, जो एक कॉमन मैन होता है, जो हमारी कॉमन लाइफ होती है, जो हम आम जिंदगी में वर्ड यूज करते हैं सेल्स, तो क्या हम मर्चेंडाइज के लिए यूज करते हैं अपनी आम जिंदगी में ये लफ्ज? नहीं सर, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं. तो इसका मतलब है हम अपना मोबाइल पुराना हो जाता है, हम उसको सेल कर देते हैं. कपड़े, मोबाइल, खाना, हाँ, सबके लिए बहुत सारी चीजें है ना. हम अपने फर्नीचर पुराना हो जाता है, हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है, हमारा घर हम चाहते हैं तो सेल कर देते हैं. इसका मतलब है वी यूज वर्ड सेल फॉर वेरियस थिंग्स व्हेन वी सेल देम, बट इन अकाउंटिंग वी विल यूज वर्ड सेल्स व्हेन वी विल सेल ओनली मर्चेंडाइज. ठीक है. अच्छा अब माहम ने एक सवाल किया. माहम मैंने आपका सवाल पढ़ लिया था, लेकिन बात एक कंटिन्यूटी में शुरू हो गई थी, तो मैं फौरन आपका बात का क्वेश्चन नहीं बता सका. माहम सेड सर व्हाई इज अलाउंस देयर. माहम अलाउंस मींस टू परमिट, टू अलाउ. सही है. तो जब हम उसे परचेज खरीदे हुए माल को वापस करेंगे तो वह हमें अलाउ करेगा. क्या अलाउ करेगा? या तो हमें हमारे पैसे वापस करेगा, या फिर अगर हमने सप्लायर से मर्चेंडाइज परचेज की थी ऑन क्रेडिट उधार पर, तो वह हमें अलाउ करेगा कि अब आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है. ठीक है माहम, बताइए समझ आ गया? ओके मेरा बेटा, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपकी जरा अटेंडेंस मार्क कर लूं. चलिए मेरी अटेंडेंस. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज ये नोट कर लें आप सब लोग आप, कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू टेक क्लास ऑन जूम. प्लीज नोट कर लें और देखें इस बात को, मेक श्योर कीजिएगा कि क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में, गूगल मीट पे फिर कोई स्टूडेंट यहाँ मौजूद ना हो. प्लीज इस बात को मेक श्योर करना है आपने. जैसे ही आपका यूनिट, अगर मेरा फर्स्ट यूनिट होगा तो डेफिनेटली हम जूम पर ही मिलेंगे, बट अगर मेरा यूनिट फर्स्ट नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आप क्लास से यहाँ से बिल्कुल. अबीर साहब आपको क्या मुश्किल होती है मैं आपसे जरूर मालूम कर लूंगा, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, बट मुझे अपने विंडोज को कंटिन्यूसली जो है वो स्विच करना होगा और मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर. तो आप इंशाल्लाह जूम पर जब पढ़ेंगे, आई होप आप वहां भी इंजॉय करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और आपको वहां बहुत इससे ज्यादा मजा आएगा अल्लाह के हुक्म से. तो बिल्कुल परेशान नहीं हो. देखिए असल चीज है चीजों का समझ आना. अबीर इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर देन डेफिनेटली यू विल इंजॉय. बट अगर मैं अपनी विंडोज को स्विच करने में टाइम लगाऊंगा तो आप कहेंगे बहुत स्लो जा रहे हैं सर. अभी भी हो सकता है आप दिल में कहते हो इतना स्लो जा रहे हैं सर, बट मैंने अर्ज किया कि मैं आई एम ट्राइंग टू मेक बेस ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव साइंस बैकग्राउंड. तो मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए जरा प्लीज. अच्छा सर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं जूम पे क्लास लूंगा? वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन पता आपको ऐसे चलेगा कि मैं गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम पर लिंक कॉपी करूंगा और वहां से आपने
जूम पर आना होगा, ठीक है। यस एग्जैक्टली, लिंक जूम आप सबके पास माशाल्लाह इंस्टॉल है, मुझे पता है, हम यूज कर चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट क्लास, ठीक राइट। तो आपने करना क्या होगा, आपने उस लिंक के जरिए से उस क्लास में आना होगा, और जो भी टाइमिंग होगी मैं लिंक कोशिश करूंगा आपसे जो है वो, जैसे कल आपकी क्लास है तो मेरी कोशिश होगी मैं आज शाम तक, आज रात तक ही लिंक शेयर करवा दूं। और आप अपनी क्लास के स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर करेंगे बिफोर 9 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग आप जब उठें तो अपनी स्ट्रीम जरूर चेक करें। गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग गूगल स्ट्रीम, गूगल क्लासरूम स्ट्रीम एज अ नोटिस बोर्ड, राइट। यस, गूगल क्लासरूम पे लिंक दूंगा। अच्छा एक मिनट रुके जरा, मैं इतनी देर से अटेंडेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये गूगल मीट जो है ना, नहीं भाई नहीं काम कर रहा ये। अच्छा मैं क्या करूँ यार, चलें कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को, टाइम इस तरह वेस्ट हो रहा है, अटेंडेंस हो ही नहीं रही है मुझसे, प्रॉब्लम है इसमें कुछ ना कुछ रोजाना। मेरे प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ऑल आर क्लियर दैट वी यूज वर्ड सेल्स व्हेन वी सेल मर्चेंडाइज। टू होम वी सेल मर्चेंडाइज, किसे बेचते हो भाई मर्चेंडाइज, कस्टमर्स को, वेरी गुड। तो अब जनाबे अली मिस महनूर खान, महनूर खान आर यू देयर, महनूर जी मेरा बेटा प्लीज अनम्यूट योर माइक, कम ऑन फास्ट अनम्यूट योर माइक। यस सर। ओके महनूर, ये कस्टमर कौन होता है? हु कंज्यूम गुड्स। अच्छा तो ये तो आप सोचें, आप जो एक्सप्लेन कर रही हैं ये किसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रही हैं? जी सर। आप ये जो एक्सप्लेन कर रही हैं कस्टमर को, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रही हैं, आप किसका पर्सपेक्टिव शो कर रही हैं? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का है ना, और मैंने कल अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में, अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया था कि हम हमेशा किसका एक्शन देखते हैं? बताइए शाबाश, हम किसका देखते हैं? तो फिर क्या होनी चाहिए कस्टमर की डेफिनेशन? शाबाश सर, अपना देखते हैं। सॉरी, अपना देखते हैं। तो क्या क्या कहेंगे उसको, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी कस्टमर को, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन करेंगी? अच्छा चले, आप कंफ्यूज हो रही हैं, कोई बात नहीं। देखें बहुत सारे क्लासमेट्स ने, आप म्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। ओके सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, इतने सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया। कस्टमर इज अ पर्सन टू होम वी सेल मर्चेंडाइज, किसका एक्शन बयान हुआ? हमारा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबने बात समझ ली। फातिमा नहीं, जब आप कहती हो ना गुड्स खरीदने वाला, तो खरीदना किसका एक्शन है बताओ फातिमा, खरीदना तो किसका एक्शन हो गया? तो मेरा बेटा मैंने कल तो बताया था कि हम हमेशा किसके एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जब हम सप्लायर की बात कर रहे थे उस वक्त भी हम कह रहे थे कि सप्लायर इज अ पर्सन टू होम वी परचेज अवर एक्शन, एंड कस्टमर इज अ पर्सन टू होम वी सेल। तो इसका मतलब है दोनों में हमने अपने एक्शन को देखा, सप्लायर से हम खरीदते हैं, कस्टमर को हम बेचते हैं, तो किसके एक्शन है हर मर्तबा? नहीं, सप्लायर का नहीं, अपने बिजनेस का। हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए सप्लायर कौन है? हमारे बिजनेस के लिए सप्लायर वो है जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो
तो क्योंकि अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग जब हम करेंगे, तो हम हमेशा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और ऐसा क्यों है, अभी मैं आगे इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा। और यस्टरडे मैंने ये बात बताई, आई डिस्कस दैट व्हाई, हाउ टू एक्सप्लेन कस्टमर एंड सप्लायर। अब्दुल मुईस, मैंने कहा ना कि हम अभी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आगे पढ़ेंगे, जहां हम इस बात को फोकस करेंगे कि व्हेन वी परफॉर्म अकाउंटिंग फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, तो हम उस बिजनेस के लिहाज से सोचेंगे ना कि उस, अब देखो एक मिसाल है अब्दुल मुईस आपके लिए स्पेशली, मेरा बेटा अगर हम कहें कि बिजनेस में, बिजनेस ने कोई चीज खरीदी तो बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, तो क्या हम ये कहेंगे जिसके पास जा रहे हैं उसके पास पैसे आ रहे हैं? हमें उसके लिहाज से नहीं सोचना कि उसके पास क्या हो रहा है, हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे हमारे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, कैश इज डिक्रीजिंग इन आवर बिजनेस। हम ये वी विल नेवर से कैश इन इज इंक्रीजिंग इन हिज बिजनेस, हमें उसके बिजनेस से क्या ताल्लुक है, हम कहेंगे फर्नीचर इज इंक्रीजिंग इन आवर बिजनेस। क्लियर? अबीर आप इतना अच्छा बता रहे हैं तो चले आप कॉन्सेप्ट का नाम भी बता ही दीजिए क्या है। इन अकाउंटिंग वी ओनली सी व्हाट्स आवर बिजनेस, तो अब बताएं ना कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। जबरदस्त अक्सा, एक्सीलेंट अबीर, एक्सीलेंट। बिजनेस एंटिटी ये कॉन्सेप्ट है, एजम्पशन है, मैं इस पर बात करूंगा आगे। तो अब्दुल मुईस बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, आपको समझ आ गई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, हम बहुत स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज चीजों को फास्ट ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं बारहा अटेंडेंस लेने की कोशिश कर चुका हूं लेकिन अटेंडेंस नहीं होना चाहती, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नहीं हफ्सा यहां पर बड़ा मुश्किल है सर, और अगर वो क्रेडिट पे खरीद रही रहा है तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से क्या होगा? भाई हम तो उसे बेच ही रहे ना शास, हमारा एक्शन क्या है, चाहे वो क्रेडिट पे खरीदे चाहे वो कैश पे, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, ओके। बस चलें ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, टाइम बहुत इस तरह से वेस्ट हो जाता है मेरा, मैं बार बार अटेंडेंस लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैश सेल कितनी तरह से हो सकती है प्यार बच्चों, हाउ मैनी टाइप ऑफ, हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेल गुड्स, देयर आर टू वेज, नंबर वन इज कैश सेल्स एंड नंबर टू इज क्रेडिट सेल। एंड व्हाट इज कैश सेल, व्हेन वी सेल गुड्स टू कस्टमर एंड रिसीव कैश इमीडिएटली। मोहम्मद रोहान, पेमेंट रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज, क्या हम परचेज कर रहे हैं? फिर आप किसके एक्शन को एक्सप्लेन करने लग गए, हम क्या कर रहे हैं? रोहान प्लीज आर यू देयर, प्लीज मुझे बताइए कि हम किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, है ना, तो बताइए क्या हम परचेज कर रहे हैं? नहीं, हम सेल कर रहे हैं गुड्स को। तो व्हेन वी सेल गुड्स एंड रिसीव कैश इमीडिएटली या एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड कैश सेल्स। And when we sell goods to customer and received promise to pay near future, अब customer ने हमसे क्या किया, promise, याद करें कल हमने promise किया था, आज customer promise कर रहा है, तो अब please ये मत कहिएगा कि उसने पैसे देने हैं, मेरी बात सब समझ रहे हैं बहुत ध्यान से, no one is going to call के उसने पैसे देने, उसने क्या करना है, ये उसका एक्शन है, आप अपना एक्शन बताइए, हमें कस्टमर से पैसे, एग्जैक्टली माहम, हमें कस्टमर से पैसे लेने हैं। इट मींस बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल सही, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और हम इसे AKUEB में हम इसे किस नाम से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स क्लियर हैं, ट्रेड रिसीवेबल यानी वो उन लोगों से रिसीवेबल जिनसे हम तिजारत करते हैं, जिनसे हम सामान
खरीदते और बेचते हैं तो ट्रेड पेबल, जिनसे हम सामान खरीदते हैं हमने उन्हें पैसे देने, ट्रेड रिसीवेबल जिनको हम सामान बेचते हैं हमने उनसे पैसे लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ इट इज क्लियर, आगे बढ़े। ओके, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज बाय कस्टमर, वापस तो कौन कर रहा है? जी हफ्सा प्लीज। हाँ बिल्कुल, वाइस वर्सा है दोनों, बिल्कुल वाइस वर्सा है। आपने सर, आपने जो कल कैश परचेज बताया था वो सप्लायर और हमारे बात थी। जी बिल्कुल फातिमा, जब हम सप्लायर के, सप्लायर की बात करते हैं ना, तो वो हम कह रहे हैं उसमें भी हम अपना ही एक्शन देख रहे थे। हम कह रहे थे सप्लायर वो है जिससे हम सामान, तो एक्शन किसका हुआ? हमारा, है ना, बिकॉज वी आर परचेजिंग। ठीक है फातिमा, और कस्टमर में भी एक्शन हमारा है, कस्टमर वो है जिसे हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन दोनों में हमारी ही एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अच्छा तलाल सेठ, सर मेरा नेट बहुत मसला कर रहा है, आपने भी क्लास सही, बाहर जा रहा हूँ नेट की वजह से, तो प्लीज अगर अटेंडेंस कर। हफ्सा सेठ, अगर हम उस वक्त कैश लेंगे वो भी ट्रेड रिसीवेबल होगा? नहीं मेरा बेटा हफ्सा, जब आप कैश इमीजिएटली रिसीव कर लेंगे तो फिर वो कौन सी वाली सेल कहलाएगी? कैश सेल। लेकिन जब आप इमेज, अब अगर आप कस्टमर अगर आपसे वन डे का भी प्रॉमिस करके जाता है ना कि आई विल पे यू टुमारो, तो इस सूरत में भी एक दिन के लिए आपके पास क्या आ गया हफ्सा, बोलिए? यू विल रिकॉर्ड इन योर बुक्स ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, यस एग्जैक्टली। ठीक है मेरा बच्चा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी यूज वर्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, when customer return merchandise to us we use word sales return and allowances। mera khayal hai purchase return samajh aa gaya tha, to ye bhi samajh aa gaya, ab hame thoda sa aur aage badhna chahiye nayi cheezon ki janib। ehman kya samjhau please bataiye। acha aap kuch likh rahi hain maam, ehman bataiye main kya repeat karu beta? What should I repeat? Eman said, sir, trade receivable repeat कर दें। मेरा बेटा, trade receivable is a verbal promise which we receive from a customer। And why customer promises, promise, why customer made a promise with us? Because when we sell goods to customer and he said right now he do not have, he does not have amount, right now he does not have money to pay us, then he make a promise, phir hum us promise ko mera bachcha kya kehte hain? Trade receivable, kyun? Kyunki humne, yes exactly, it's like a right, loan right nahi, isko kehte hain right, right mane hak na, ye hamare paas ek right aa gaya, right to take money, हमें लोन नहीं लेना, हमें right to take money, हम उसे पैसे वापस लेना, हम उसे पैसे लेने का हक रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे goods sell की हैं। अरीबा said, sir last वाले में हम seller होंगे, sales return in case of sales return, अरीबा yes, हम seller हैं तो हमारे पास trade receivable आ रहा है, बिल्कुल। और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस भी जाहिर सी बात है हमारे पास आ रहे हैं। जी अब्दुल मोईस, सेल्स रिटर्न का वर्ड कब यूज होगा? जब कस्टमर, व्हेन कस्टमर विल रिटर्न मर्चेंडाइज टू अस, वी विल यूज वर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। क्लियर? अच्छा मैं एक कोशिश और करके देखता हूं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास को, क्लास के डेकोरम को मेंटेन कीजिएगा। मैं एक अटेंडेंस की और कोशिश कर रहा हूं प्लीज, क्योंकि पूरी क्लास गुजर रही है और अटेंडेंस नहीं हो पा रही ना। अच्छा अब हम एक नए चीज की तरफ जाएंगे समझने के लिए, मैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं लेफ्ट करके मीटिंग ज्वाइन करता हूं।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ इट्स वर्किंग। टीचर की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ अगेन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी हेड ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अब जो चीज पढ़ेंगे वो है हेड ऑफ अकाउंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। थोड़ा आपसे शेयर करता हूं मैं, फिर मैं एक एक्सेल की स्क्रीन भी आपसे शेयर करूंगा। इसी में मैं कह रहा था कि मुझे स्विच करने में प्रॉब्लम होगी बार बार, बट कोई बात नहीं, आज मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू टेक क्लास ऑन जूम इंशाल्लाह। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज हेड ऑफ अकाउंट्स एंड आई विल प्रोवाइड दिस वर्ड डॉक्यूमेंट टू यू इंशाल्लाह वेरी सून। इसमें काफी पेजेस हैं प्यारे बच्चों, तो अभी तो हमने थोड़ी सी बेस बनाई है और इसको हम इंशाल्लाह फर्दर और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये वर्ड का डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गिव यू फॉर फर्दर स्टडी एट होम। ओके, तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज हेड ऑफ अकाउंट्स? इट इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं इसको कभी कभी पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहता हूं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहता हूं, समझाने के लिए बच्चों को। एंड व्हाई आई यूज दीज वर्ड्स, बिकॉज अकाउंटिंग बिजनेस में मौजूद तमाम चीजों को, अकाउंटिंग बिजनेस में मौजूद तमाम चीजों को इन हेड बनाकर इनके अंदर रख रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक घर में रहते हैं और उस घर की क्लासिफिकेशन है, घर होम हाउस एक नाम है एक जगह का, और उसकी क्लासिफिकेशन में आपके पास, उसकी क्लासिफिकेशन में आपके पास बहुत सारे रूम्स, बहुत सारी जगह है और आप उसे मुख्तलिफ नामों से क्लासिफाई करते हैं। ऐसा है या नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल इसी तरह हम अकाउंटिंग को समझाने के लिए वर्ड यूज करते हैं। क्या हम कहते हैं कि हेड ऑफ अकाउंट्स, पूरी अकाउंटिंग बेस करती है इन चीजों पर जो अब हम पढ़ेंगे। और मैं इन्हीं की मदद से इंशाल्लाह एक और ऐसे लोग को कवर करूंगा विच इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो व्हाट इज हेड ऑफ अकाउंट्स? हेड ऑफ अकाउंट्स चार्ट तो एक आगे थोड़ा सा हम इसको एलाबरेट करेंगे, सही है? अभी नहीं, अकाउंट टाइटल्स जो है ना, वो अकाउंट टाइटल तो बहुत सारे हैं, बेसिकली ये हेड है। अकाउंट टाइटल तो कैश, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड। अबीर आर यू देयर? गेटिंग माय पॉइंट? अबीर, मेरा ख्याल है, यस, ओके। तो देखें, टाइटल ऑफ अकाउंट तो ना मैंने नाम लिए, बट हेड जो है बेसिकली वो ऐसा है। अब मैं इसको और सिंपल करता हूं ताकि मेरे साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझें। प्यारे बच्चों, टीवी लाउंज एक रूम का नाम है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बेडरूम एक रूम का नाम है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि दोस थिंग्स बिलोंग टू बेडरूम। बहुत सारी चीजें हैं जो ड्राइंग रूम में होती हैं, है ना? तो इसका मतलब है जो जब हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग रूम, आप सोच रहे होंगे सर घर क्यों डिस्कस करने लग गए, कि भाई अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसी तरह हमें पता होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वरना हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह एक घर और घर में कमरे और हर कमरे का नाम और उस कमरे के नाम के मुताबिक उसमें चीजें, बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये तो हो गया घर, और इस घर में कमरे कौन कौन से हैं, वो कमरों के नाम में सबसे पहला नाम है एसेट्स। अब हम एसेट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। डेफिनेशन यहां मौजूद है, हमने डेफिनेटली ये डेफिनेशन भी पढ़नी है, बट बिफोर रीडिंग और बिफोर स्टडिंग दिस डेफिनेशन,
आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा इसको बुकिश अंदाज से हट के जरा डिफरेंट एक यूनिक स्टाइल से इसको पढ़ के देखें, कोशिश करते हैं, लेट्स सी कामयाब होते हैं या नहीं, और आप कितना पार्टिसिपेट करेंगे वो अभी पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है एसेट्स, एक्सेल की स्क्रीन विजिबल है, एक्सेल की स्क्रीन विजिबल है प्यारे बच्चों, ओके ओके थैंक यू। चलें तो अब एसेट्स मैं पूछता हूं ना आप लोगों से, जरा मुझे बताइएगा प्लीज, आपके ख्याल में एसेट्स क्या हैं? मैंने लिखा हुआ है वहां पर, बट और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है बहुत सारे लोग जबरदस्त, अब्दुल मुईज ने उर्दू में जवाब दिया, असासे, द थिंग्स वी ओन, नीड्स ऑफ बिजनेस, कैश, थिंग्स बिजनेस ओन हैविंग वैल्यू, ऑल द इकोनॉमिक कमोडिटीज दैट वी ओन, रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस, बेनिफिट्स द बिजनेस, थिंग्स दैट बिजनेस ओन्स फॉर बेनिफिट, excellent, an economic resource expected to be benefit in the future, which benefit in future, acha iska matlab hai Shah Saleem aur Arman, kya main ye samjhu ki future mein hi benefit milega, abhi nahi milega, to future kya hota hai, kal ya ek saal ke baad ya after 6 months, are these things not going to provide benefit today? I am asking to Arman and Shah Saleem. Okay. Abhi bhi milega. Good. The ER business owns and control to draw benefit from it in future means can give benefit today as well. Okay. All the resources benefits. इकोनॉमिक यस इट विल गिव प्रेजेंट फॉर नेक्स्ट 5 years, शाह सलीम ने कहा, ठीक है ओके। तो अब जरा आ जाइए उस स्क्रीन पर, आ जाते हैं क्या ख्याल है, और उस स्क्रीन को जरा इत्मीनान से देखिए मेरे साथ पुरसुकून अंदाज में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या मेरे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ी सी इधर तवज्जो दीजिए, ये तो मैंने बुकिश अंदाज में लिख दिया ना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट। देखें वहां जो डेफिनेशन लिखी है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, ये किसने रॉ मटेरियल फिर कहा, तारिक आजम साहब रॉ मटेरियल से मेरा कोई कंसर्न नहीं है प्लीज, अब मैं रॉ मटेरियल पर कोई बात नहीं करूंगा, शुक्र है महक नहीं है ये, आज तारिक आजम साहब को रॉ मटेरियल याद आ गया, ठीक है मेरा रॉ मटेरियल से कोई कंसर्न नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो अब मैं रॉ मटेरियल पे कोई बात नहीं करूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एसेट्स में व्हाट आर एसेट्स, एसेट्स आर दोस थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट, इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप चाहें तो इसको नोट कर लें प्लीज। आप इसको नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट, दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट, ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है, इससे सिंपल नहीं हो सकती, अगर हो सकती होगी तो यकीनन होती होगी भाई, मैं तो इससे आसान नहीं बता सकता। हाँ जो वहां लिखी है वो भी पढ़ेंगे अभी हम, वो जरा बुकिश अंदाज में, क्योंकि वो हमने बाकायदा एक बुक के अंदाज में लिखने की कोशिश की है चीज को। दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट, एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट, अब बेनिफिट चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे 5 साल तक मिलता रहे, चाहे 25 साल तक मिलता रहे,
डेफिनेटली यूज करने का राइट तभी होगा ना जब वो बिजनेस ओन करता होगा. अगर बिजनेस के पास वो चीज है नहीं, ओन नहीं करता, तो यूज कैसे करेगा? क्या ख्याल है? ठीक है, तो बिजनेस में वो चीज मौजूद होनी चाहिए. Those things which we use in our business to operate it and for taking benefit are called assets. और हमने इसको bookish अंदाज में कहा economic resources या economic covered मिटा देता हूँ. और अब देखें मैं क्या लिखता हूँ. मैं कहता हूँ resources. आप भी मेरे साथ ये चीजें note कीजिएगा. Resources of the business are called assets. Resources of the business are called ठीक है प्यारे बच्चों चले ये तो क्लियर हो गया. अब बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता शीजा? वो तमाम चीजें, ऑल दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट आर कॉल्ड एसेट. अब इसकी एग्जाम्पल्स देखो भाई, अब मेरी बात सुनो ना इत्मीनान से जरा. आप लोग बहुत परेशान बहुत होते हो आप लोग. मेरे बच्चों, जब तक मैं अपने बच्चों को रूम की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा तो फिर उस रूम में जाके चीजों को समझेंगे कैसे? तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एसेट्स. अब मेरे बच्चों को अगर एसेट की मीनिंग समझ आ गई तो डेफिनेटली जब मैं उन्हें कहूंगा आओ भाई आज वी आर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू विजिट द रूम ऑफ एसेट एंड वी विल वॉच वी विल सी द थिंग्स विच एग्जिस्ट इन द रूम ऑफ एसेट. तो जब मेरे बच्चों को एसेट की डेफिनेशन पता होगी तो डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड ईच आइटम एग्जिस्टेंस इन द कैटेगरी ऑफ एसेट. अब देखे ना, ये आप जो कह रहे हैं सर ये लैंड जो है हमारा एसेट होगी, सर मशीनरी हमारा एसेट होगी, तो डेफिनेटली ये हमारा एसेट है. क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हम बिजनेस में खरीद के लाते हैं. और किस इरादे से? बेचने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें क्या करते हैं? इस्तेमाल, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. मर्चेंडाइज भी हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी मेरा फोकस बहुत आसान तरीके से है कि वो तमाम चीजें जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिजनेस में लाई जाए उन्हें बिजनेस एसेट ट्रीट करता है. अ पर्सन हैज मैनी रिसोर्सेज बट ही डोंट ऑपरेट इन बिजनेस सो दे आर एसेट्स. मेरे बेटे अब्दुल मोईस, ऑल दोस थिंग्स विच आर इन बिजनेस. एक शख्स के पास अपने घर पर 5 गाड़ियां खड़ी हैं, वो उसमें से एक भी गाड़ी ऑफिस के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो उससे ऑफिस का कोई कंसर्न नहीं है. All those things which we use in our business definition में जोर तो देखो किस बात पे. आपने definition note किया अब्दुल मोईस? तो क्या कहा है मैंने? All those things which we use in our business. It means use तो वही चीज करेंगे जो business में मौजूद होगी ना. जाहिर सी बात है अगर चीज हमारे पास मौजूद नहीं है तो how we can use it? तो all those things which we use in our business to operate it and for taking benefit are called resources of the business are called assets. जी बिल्कुल, मेरा ऑफिस जो है यानी हमारे ऑफिस की बिल्डिंग, हमारा ऑफिस प्रेमिसेस, हमारा ऑफिस का एरिया, हमारी जमीन, ये सब हमारा एसेट है. देखो आप एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ. What I am trying to say, try to understand. I am saying please keep focusing the word assets. If you are able to define the word asset, then definitely when we will visit the room of asset, inshallah, you will be able to understand each account, each thing exist in the category of asset. Okay? Aman, agar land hamari nahi hai, humne rent pe li hui hai, to phir wo hamara asset kaise hui? Hum to uska rent pay kar rahe hain. है ना, मैंने कहा दोस थिंग्स विच वी यूज अवर बिजनेस, तो वो बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और जब हम उसका रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारी थोड़ी है, हम उसको इस्तेमाल करने के बदले में पे कर रहे हैं. वो चीज जो बिजनेस में हमारी हो, चाहे हमने उधार पे खरीदी हो, चाहे हमने इमीडिएट
कैश पर पे की खरीदी हो, ठीक है। तो आए अब आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक क्वेश्चन रेस करने लगा हूं, अगर अभी जवाब दे सके तो अभी दीजिएगा क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है। बस अब क्वेश्चन यह है कि एसेट्स को हम कहते हैं रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करने लगा हूं और फिर आपका रुख उस तरफ खुद ब खुद चला जाएगा। मिनाल आप प्लीज अनम्यूट करेंगे अपना माइक, मिनाल, मिनाल खुर्रम आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। मिनाल, मेरा ख्याल है मिनाल आर यू देयर, मिनाल नहीं है क्लास में, ओके चले मैं फिर एक काम करता हूं। मैं मेरा क्वेश्चन यह है वजीहा, वजीहा आप हैं हमारे साथ, जी वजीहा नदीम प्लीज अनम्यूट योर माइक। एक वजीहा हैदर भी हैं और वजीहा नदीम भी हैं, तो मैंने वजीहा नदीम से कहा है जी। वजीहा प्लीज आप ये बताइए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कौन सी रिसोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। अच्छा वो वलीजा है, सॉरी वजीहा कहा था मैंने, ठीक है वजीहा आप बताइए प्लीज। वजीहा मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, देखें मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अभी बिजनेस को ना थोड़ा सा हम एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में नंबर ऑफ थिंग्स यूज करते हैं अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। आप उनके नाम ले सकती हैं उन चीजों के, कैन यू नेम द थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। अच्छा चले आप म्यूट कर दें माइक, आपकी आवाज में भी बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप माइक म्यूट कर दें प्लीज, ओके थैंक यू। वलीजा आपको मेरी आवाज आ रही है, वलीजा हैदर बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है, ओके आप अनम्यूट करेंगे माइक जल्दी से, ओके आपको मेरी आवाज आ रही है। वलीजा ये बताइए बेटा, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, इसको बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे, हम सबको आपकी आवाज आ रही है, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, आपने इत्मीनान से जवाब देना है विदाउट एनी टेंशन। देखें बिजनेस को ना अभी साइड में रख दीजिएगा प्लीज, अगर आप बिजनेस को फोकस करते रहेंगे तो आपकी सोच जो है ना डिस्टर्ब होगी। मेरा क्वेश्चन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हम लोग अपनी लाइफ में नंबर ऑफ रिसोर्सेस यूज करते हैं, क्या आप उनमें से चंद रिसोर्सेस के नाम लेंगी। खाना, बिल्कुल जबरदस्त और शाबाश, नंबर ऑफ रिसोर्सेस मैं इसको यूं भी कह सकता, गाड़ी घर एक्सीलेंट जी। अच्छा अगर मैं पढ़ाई के लिहाज से कहूं वलीजा तो क्या कहोगी, पढ़ाई के लिहाज से क्या कहोगी, पढ़ाई के लिहाज से रिसोर्सेस क्या है आपकी, सर टेक्नोलॉजीज अभी जो यूज कर रहे हैं, इंटरनेट मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी है इंटरनेट है बुक्स मोबाइल है ना ये सब चीजें हैं, वेरी गुड, कैलकुलेटर लैपटॉप ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेस, तो इन सबको क्या कर रही हो वलीजा, यूज कर रही हूं। What are you doing with all these? Yes, exactly. You are using all these things. तो क्यों use कर रही हो? Because you want to take. Sorry, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, दोबारा प्लीज। जरूरत है। Because you want. जरूरत भी है and you want to take benefit from all those things. जरूरत इसलिए ना कि आप उनसे कुछ benefit हासिल करना चाहती हैं। जरूरत इसीलिए होती है कि हम उस जरूरत को पूरा करेंगे, जब जरूरत पूरी होगी तो हमें फायदा होगा ना, यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी तभी तो मिलेगी जब हम उस चीज को क्या करेंगे यूज। आपके पास बुक्स हैं बट आप पढ़ नहीं रहे तो यूटिलिटी कैसे मिलेगी आपको,
है ना, इकोनॉमिक्स वाली बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो बस अब बात को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वलीजा, आप म्यूट कर लीजिए माइक। अब मेरा सब बच्चों से क्वेश्चन है, हमारे पास ये तो वलीजा ने जो नाम लिए, ऑल दीज नेम्स वर रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स आर रिलेटेड टू अ कॉमन मैंस लाइफ। मुझे आप लिख कर भेजें वो नाम, वो रिसोर्सेस जो सबके लिए हैं, तमाम इंसानों के लिए हैं, मुझे उन रिसोर्सेस के नाम लिख के भेजें। शाबाश। एयर, वाटर, ट्रीज, सनलाइट, शेल्टर। अच्छा, बस बस बस, इनफ। थैंक यू सो मच। मैंने कहा था जो सबके लिए हैं रिसोर्सेस, तो बस तीन नाम इनफ है मेरे लिए। एक तो वाटर, ऑक्सीजन, एयर, और जबरदस्त जुमला कह दिया तलाल साहब ने, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं? कोल माइन, गोल्ड माइन, गैस फील्ड्स। आर यू क्लियर? आर यू विथ मी? ये तमाम क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। अब एक सवाल का जवाब दे दें, बस आज क्लास ऑफ करता हूं। रिजा से बात नहीं हुई, बहुत दिन हो गए, रिजा से भी इंशाल्लाह बात करेंगे बहुत जल्द। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये तमाम रिसोर्सेस कहां से आई? ये तमाम रिसोर्सेस की सोर्स कौन है? जो रिसोर्सेस के मैंने नाम लिए, मुझे उन्हीं का जवाब चाहिए। एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहिए, वेरी गुड। मेरा सवाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि सबका जवाब एक जैसा हो। एयर, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑल दीज आर रिसोर्सेस। सो इफ ऑल दीज आर रिसोर्सेस, सो हु इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेस? हु इज द प्रोवाइडर ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेस? यस, एग्जैक्टली, विदाउट अनडाउटेडली, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। That means, alhamdulillah, today we are clear that every resource has a source. Excellent, Aksa. Excellent. Every resource has a, Fatima, clear ho, mashallah. Zabardast. Sare bachche clear hain. Iska matlab hai, duniya mein jo kuch maujood hai, uski wajah almighty Allah hai. इसी तरह अब अगर बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस के सवाल का जवाब दे दो, फिर क्लास लेफ्ट करते हैं। बिजनेस में जो कुछ मौजूद है, उसके बिजनेस में होने की सबसे पहली वजह कौन है? मेरा ख्याल कल कंटिन्यू करेंगे, आपके दूसरे टीचर भी आ गए और मेरा दूसरा यूनिट भी है। सो थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस। बहुत मजा आया, आप लोगों को मजा आया आज की क्लास में? इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। और याद रहे, ऑन विच वी आर गोइंग टू टेक सेशन ऑफ टुमारो, ऑन विच एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू टेक सेशन ऑफ टुमारो। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टेक वेरी गुड केयर, स्टे ब्लेस, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, फी अमानल्लाह, अल्लाह हाफिज़।